ये लैंटर्न जो है वो ओकेशनली नहीं, सिर्फ दिवाली, न्यू ईयर या क्रिसमस के लिए नहीं, आप एज अ डेकोरेटिव पीस इसको घर पे भी रख सकते हो। तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो है ग्लॉसी कार्ड पेपर। ये ग्लॉसी कार्ड पेपर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कवरिंग में मिल जाएगा। कभी ऐसे आपने कवर देखा होगा कि वो शाइन कर रहा है, जैसे कोई ग्लास हो उस पर रिफ्लेक्शन गिर रहा है। तो आप उसको पहले अनइवनली कट कर दीजिए, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल हो। अनइवनली कटिंग करने के बाद ये जो चीज़ है आपको ग्लास इफेक्ट देने वाला है। तो आप कैसे भी, मोजैक बोलते हैं शायद इसको, तो ऐसे आप कटिंग कर दीजिए। तो मैंने इसमें सिल्वर और ब्लू कलर का, मेरे पास था ऐसे कवर्स, तो मैंने उसको कटआउट किया है। तो फाइनली जो हमारा लैंटन है इस तरह से दिखेगा। तो आप इसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया, ग्लॉसी पेपर, उसके अलावा आपको मोती चाहिए होगा, छोटे छोटे मोती। अभी मैंने इसमें चार बटरफ्लाई है, तो चार बटरफ्लाई के फेस के लिए चार मोती। और तार चाहिए होगा, तार आप जो है वो थिन लीजिए, मैंने थिक लिया है तो उसको थोड़ा मोड़ने में प्रॉब्लम हो गया, तो आप थिन तार लीजिए। और क्रेप पेपर लीजिए, तो मैंने दो कलर के क्रेप पेपर लिए। तो आप भी कोई और, कोई आपके फेवरेट कलर्स के आप ले सकते हो, मैंने येलो और पिंक लिया है। उसके बाद आपको एक पेंसिल चाहिए होगा और टूथपिक, चार टूथपिक, क्योंकि मैंने चार बटरफ्लाइज बनाए हैं। फिर टी शर्ट के जो बाहर का कवर होता है, प्लास्टिक कवर जिसमें टी शर्ट रैप करके देते हैं, थोड़ा थिक होता है ऐसे टाइप का और थोड़ा शाइनी होता है, वो चाहिए। तो जो हमारा कंदिर है एंड में ऐसे दिखेगा। तो उसके लिए उसका जो सिलेंड्रिकल है, मतलब जो राउंड उसका जो बेस है, उसके लिए आपको पैराशूट का डब्बा लेना पड़ेगा। तो ये मीडियम है जो दिख रहा है, ये मीडियम साइज पैराशूट है। मैंने इसमें इससे भी बड़ा साइज वाला जो मिलता है वो लिया है। और उसका जो ऊपर का टॉप है, उसका जो सर है, उसको कट करना है। तो इसको कट करना बहुत आसान है क्योंकि इतना थिक नहीं है वो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो बॉटल का साइड है उसमें आपको सीजर से स्लिट करके उसके अंदर एक सीजर डाल के उसको कट करते जाना है। और सर्कुलर मोशन में कट करते करते उसका पूरा ऊपर का जो हेड या सर है उसको काट देना है। फिर हमको कार्ड पेपर चाहिए होगा, तो उसका आपका जो कलर है वो लाइट कलर लीजिए, लाइट शेड अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे वाइट लिया है। और इसमें पेंसिल से जो है आपको होल्ड करना है, और पेंसिल से ऐसे होल्ड कीजिए कि एक तरफ से पेंसिल निकाल डाले तो दूसरे तरफ से निकाल दे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वो ग्लॉसी कार्ड पेपर है वो लीजिए। और पहले तो कार्ड पेपर के बेस में फेविकॉल लगा के उस पर आप वो ग्लॉसी कार्ड पेपर स्टिक करते जाइए, जैसे आपको अच्छा लगे। बट ये जो इसके एंड्स है, सिलेंडर का जो एंड्स है, वर्टिकल एंड्स, उस पर आप ये मत स्टिक कीजिए क्योंकि उसको हम स्टिक करने वाला है वाले हैं फेविकॉल से एंड में। तो और जो होल्स बनाए हमने पेंसिल से उसके ऊपर भी मत स्टिक कीजिए, उसके अलावा बाकी सारी जगह पे आप स्टिक करते जा सकते हैं। फिर वो जो टी शर्ट का कवर, आउटर कवरिंग बताया था, उसके जो एज में है, वर्टिकल एज में आपको बटरफ्लाई ड्रॉ करना है पेंसिल से। तो उसको ड्रॉ करने के बाद में उसका कटआउट करना है। फिर ये बटरफ्लाई का बॉडी है, उसके लिए टूथपिक में आपको वो मोती लगाना है। टूथपिक के ऊपर टिप पे आप फेविकॉल लगा दीजिए, वो मोती लगा के उसके बाद में तार लगा दीजिए ऐसे उसके ऊपर, उसमें भी फेविकॉल लगाइए। उसके बाद में उसको फोल्ड कीजिए, कर्व कर दीजिए अंदर की तरफ, ये कट करके उसको अंदर की तरफ रोटेट कर दीजिए।
उसके बाद आप वो तार लगाने से पहले आप चाहे तो या तो उसके बाद या पहले, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल होगा ऐसे, उस जो टूथपिक है उसको बटरफ्लाई के सेंटर में आप स्टिक कर दीजिए फेविकॉल से, और जो बटरफ्लाई का आउटर आउटलाइन है, आउटलाइन है, उसको आप ब्लू कलर, 3D कलर बोलते हैं इसको, इसमें लिक्विड एम्ब्रॉयडरी लिखा है। इसमें क्या होता है, जो भी कलर डालते हैं वैसे उठ के दिखता है, एम्बॉस्ड नहीं बोल, 3D जैसा, 3D लगता है उसमें, ठीक है। तो जैसे आप मेहंदी लगाते हो वैसे ये बटरफ्लाई का जो पंख का एज है उसमें आप ये 3D कलर लगाते जाओ। बट इतना है कि आप पहले वन साइड लगाइए, उसको ड्राई होने दीजिए, उसको ड्राई होने को थोड़ा टाइम लगता है, पंखा ऑन कर दीजिए, और उसको ड्राई होने के बाद में अभी मेरे पास फोर बटरफ्लाईज है ना, तो चारों बटरफ्लाईज के वन साइड में पहले आप ऐसे मेहंदी लगा दीजिए, मतलब उसका आउटलाइन दे दीजिए। उसको ड्राई होने के बाद में आप उसके दूसरी तरफ भी ऐसे ही कीजिए। अब जो लैंटन का नीचे की तरफ फ्लावर्स होना है उसके लिए क्रेप पेपर लेना है, जो मैंने पिंक और येलो लिया है, तो पिंक के ऊपर मैंने वो येलो पेपर रखा है, उसके बाद में उसको रोल करते हुए एंड तक लेके आना है, ठीक है। इसमें फेविकॉल लगा दीजिए। इसका एक्चुअली दो मेथड है, एक तो आप इसको फेविकॉल लगा के एक टाइप का फ्लावर बनाइए, और बिना फेविकॉल लगाए पहले उसको, मैं बताती हूँ पहले, ठीक है। एक मेथड ये है कि उसको फेविकॉल लगा के स्टिक कीजिए, ठीक है। फेविकॉल लगा के स्टिक करने के बाद में आप इसको जो सिलेंडर के अंदर आप सीजर डाल के आप उसको बीच में से कट कर दीजिए, और ऐसे कट करते जाइए पूरा सिलेंडर को, बीच बीच में थोड़ा 0.5 मेजरमेंट का स्पेस करते करते ऐसे वर्टिकली स्ट्रेच करते जाइए, ठीक है। और थिन रखना है तो थिन, थिक रखना है वो आपका मर्जी है। उसके बाद अभी ये जो फ्लावर है इसको मैंने जो एंड में जो कम लगाया था ना, तो पहले उसको, मतलब जब ये फ्लावर जब ये हो जाएगा तो उसको पहले पुल करके फिर ट्विस्ट करने के बाद में ही ऐसे दिखेगा, उसके बाद में एंड में वो स्टिक कर दीजिए कॉर्नर, या तो वो स्टिक करने के बाद में जब आप कटिंग करते हो और फ्लोरल होता है उसको ऐसे ही रहने दीजिए सनफ्लावर की तरह, तो ट्विस्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अभी ये जो फ्लावर है तो इसके नीचे सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल है, तो वो एक कार्ड पेपर में चिपकाना है, सर्कुलर कार्ड पेपर में। तो उसके लिए उसके दोनों तरफ आप स्लिट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में चिपका दीजिए, और ये जो सर्कुलर है वो जो लैंटन का बेस है सर्कुलर, उसका मेजरमेंट है, ठीक है। पहले इसको इससे स्टिक कर दीजिए, उसके पास में वैसे ही एक और बनाइए, मतलब डबल बनाइए ऐसे, तो उसको उसके ऊपर स्टिक कीजिए। बट ये जो फ्लावर है, फ्लावर जिसमें चिपकाया हुआ है वो जो है वो आउटर साइड में दिखेगा, तो आपको वो अच्छा क्वालिटी का, मतलब कलरफुल वाला दिखना चाहिए, या आपने जो लैंटन लिया है उस हिसाब से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि लैंटन ऊपर होता है तो दिख जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऐसे ये लैंटन बहुत अच्छा लगेगा, ये मतलब अगर बल्ब लगेगा तो उसका ब्लू लाइट दिखेगा, क्योंकि वो जो कोकोनट का बॉटल है ब्लू कलर है, और मैंने होम अपने होल्स बनाए हैं तो वो उसमें से ब्लू लाइट दिखेगा। आप चाहे तो अंदर की तरफ से, और कोकोनट का बॉटल को अच्छे से साफ कर लीजिए, ठीक है, अंदर की तरफ एक और पेपर लगा सकते हैं,
पगड़ी के अंदर जो कलर होगा वो बोलेगा। तो अगर उसके अंदर आपने दूसरा कलर लगाया तो वो कलर भी ले लेगा। अगर सपोज आपने पिंक लगाया तो पिंक कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे आप बना सकते हो। और ये लैंटर्न का ऐसा है कि अगर ये घर के अंदर भी रखा हो तो और कोई और लाइट ऑन हो या किसी और ट्री बाहर कुछ रिफ्लेक्शन गिरे तो शाइन होगा, क्योंकि वो ग्लॉसी टेक्सचर है उसका। इसके